वाराणसी जनपद के चोलापुर ब्लॉक के अल्लोपुर गांव में 150 आबादी के बीच में एक भी हैंडपंप नहीं है, जिससे दुर्गावती सहित कुल 150 लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या है पानी का सर पर, तो 40 आदमी तो हमारे घर है, 10 लोग तो नौ घर में हैं, और 20 लोग तो ये घर में है, न कुछ मैंने 150 के लगभग हो जाते हैं। बाकी बिटिया पतो जाते हैं का बोलला उधर जाइए चंदा हुआ का बोलला वहाँ अमर पट्टी में पानी पिए जाइए। और यहाँ पर इतनी समस्या है मैडम जी जी संभला कि यहाँ पानी पानी के मोहता है, सब कुल्ला करने के मोहता है, कौनो सरकार ऐसा नहीं बढ़ रहा है कि हम लोग के कौनो सुविधा दे। गोरु है गोरु पियासन मर जाते, बकरी पियासन मर जाता हम लोग का। हमके के सरकार पानी के जो कोई भी इतना प्रधान या सबल कोई लोग के पानी भी ना करे, और कौनो सरकार भी ना कहीं ना पानी के वोट लेवे खातिर सब आई। आपकी समस्या क्या है? ये पानी के बहुत यहाँ परेशानी है, हाँ देखो ये लगदी लुगदा सब बे इस तरह एकदम गंदा गुंदी में सब हम लोग सोते हैं, क्या करेगा। पानी की बहुत सांसत है, पानी बहुत फरके से ले आना पड़ता है बाल्टी में नहीं, वो एक जाने पंडित के है वो चालू करेगा तो देगा पानी, नहीं तो नहीं देगा पानी। एक गांव में है नलका, वो भी बब्बा है, वो भी बोलता है कि नहीं पानी हरदम कोई पानी नहीं देगा, अपना अपना लोग नलका गड़वा लो, तो हम लोग क्या करेगा। आदमी लोग मोटा काम करेगा तो फिर कहाँ से पानी, खाने में तो तकलीफ है तो पानी में कहाँ से गड़वाएगा। ये पानी के बहुत सांसत है, हम लोग नहा नहीं पाते हैं, दो दिन तीन दिन चार दिन हो जाते हैं। वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से अपील करना चाहती हूँ कि आप चोलापुर वीडियो के मोबाइल नंबर 94-54-42-89 पे कॉल करके दबाव बनाएं, जिससे इस गांव में एक हैंडपंप लग सके। मैं शबनम, वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।